फर्जी श्रवण बाधित प्रमाण पत्र के आधार पर बहरी बनकर कर रही थी सरकारी नौकरी, सहायक संचालक ऋचा दुबे बर्खास्त। छत्तीसगढ़ दिव्यांग संघ की मेहनत रंग लाई। महासमुंद जिले में पदस्थ सहायक संचालक ऋचा दुबे बहरी बनकर फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी नौकरी कर रही थी। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा उन्हें बर्खास्त कर दिया है। बता दें, छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ ने 56 लोगों का फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र होने का दावा किया है। शासन स्तर पर जांच के पश्चात बर्खास्तगी की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई। फर्जी दिव्यांग पत्र के सहारे सरकारी नौकरी करने वालों का नाम और दस्तावेज के साथ उजागर किया गया था। इसका आज बड़ा असर देखने को मिला है। कृषि विकास एवं किसान कल्याण एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अव्वल सचिव के आदेशानुसार ऋचा दुबे सहायक संचालक कृषि विभाग महासमुंद को शासकीय सेवा से बर्खास्त कर दिया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ ने मुंगेली से रायपुर तक पैदल रैली निकालकर बड़ा प्रदर्शन किया था। इसका बड़ा असर देखने को मिला। दिव्यांग संघ के इस मेहनत की वजह से फर्जी नौकरी करने वाली ऋचा दुबे पर बर्खास्तगी की गाज गिरी। फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के सहारे सरकारी नौकरी कर रही ऋचा दुबे को विभाग ने बर्खास्तगी का आदेश जारी कर दिया है। वही दिव्यांग संघ का कहना है कि जल्द ही अब ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी गुलाब सिंह राजपूत पर गाज गिरेगी। गुलाब सिंह राजपूत सरकारी नौकरी में रहते हुए रायपुर बिलासपुर में कोचिंग सेंटर चला रहे हैं। जल्द ही इनके खिलाफ भी निलंबन या बर्खास्तगी का आदेश जारी होने के संकेत है। दिव्यांग सेवा संघ के सदस्यों का कहना है कि छत्तीसगढ़ में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के सहारे सरकारी नौकरी करने वालों की लंबी लिस्ट है। अभी तो एक पर ही बर्खास्तगी की कार्रवाई हुई है। जल्द ही और भी फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग उठते रहेंगे। हालांकि विभाग ने सभी को आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि ऋचा दुबे की दिव्यांगता प्रमाण पत्र कोरिया के जिला चिकित्सा बोर्ड के डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता के अलावा 3 अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर से जारी किया गया था, जिसे अम्बेडकर हॉस्पिटल के चिकित्सा विशेषज्ञों ने निरस्त कर दिया है। इस पर विभाग ने एक्शन लेते हुए ऋचा दुबे सहायक संचालक कृषि महासमुंद को बर्खास्त कर दिया है। ऋचा दुबे सहायक संचालक कृषि महासमुंद ने पदस्थी उसे महासमुंद DDA के द्वारा कार्रवाई करने में शिथिलता दिखाई, लेकिन आखिरकार ऋचा दुबे पर बर्खास्तगी की बड़ी कार्रवाई हुई है। कि ऋचा दुबे सहायक संचालक कृषि महासमुंद जो कि फर्जी दिव्यांग बनकर प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी कर रही थी, जिसको शासन के नियमों के तहत संगठन के शिकायत पर आज बर्खास्त की गई है, जिस पर लगातार शासन प्रशासन के द्वारा नियमों से खिलवाड़ किया जाता रहा है, परंतु छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ के कर्मठ दिव्यांग सदस्यों के द्वारा जीवटता के साथ स्वाभिमान पैदल मार्च निकाला गया, जिससे पूरा प्रशासनिक अमला हरकत में आया और यह जबरदस्त कार्रवाई हुई। आपको बता दें, अभी तो यह केवल शुरुआत है। हमारे शिकायती पत्रों में उल्लेखित 2 जिलों के सभी नामजद कर्मचारियों को राज्य मेडिकल बोर्ड से जांच के लिए आदेशित किया गया है, जिससे अब लगातार जांच भी होगी और बर्खास्तगी भी लगातार देखने को मिलेगी। हमारे संगठन का मूल उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ फर्जी दिव्यांगता से मुक्त हो और वास्तविक दिव्यांगजन अपने अधिकार को ले सकें। बता दें कि छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ ने करीब 150 लोगों के फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के सहारे सरकारी नौकरी हथियाने का आरोप लगाया था, जिस पर मुंगेली कलेक्टर ने संज्ञान लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी, श्रम पदाधिकारी, उप संचालक कृषि विभाग, उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं, कार्यपालन अधिकारी, जिला योजना एवं आर्थिक संख्यांकी जिला मुंगेली को आदेश जारी किया गया था। आदेश में लिखा गया था कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मुंगेली को जारी पत्र करते हुए समस्त शासकीय कर्मियों को दिव्यांगता का भौतिक परीक्षण राज्य मेडिकल बोर्ड से कराए, इस पत्र पर तत्काल पालन कराए और शासकीय कर्मियों के दिव्यांगता का भौतिक परीक्षण राज्य मेडिकल बोर्ड सुनिश्चित करे। आदेश जारी होते ही
फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी करने वालों में खलबली मची हुई है। छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ का कहना है कि सभी दिव्यांग अपने अधिकार हेतु जागरूक हो चुके हैं, अब फर्जी दिव्यांग अधिकारी कर्मियों का खैर नहीं, उनकी संघर्ष निरंतर जारी रहेगी। उन्होंने मीडिया से चर्चा करने के दौरान बताया कि आगामी 2024 जनवरी को पैदल मार्च आंदोलन कवर्धा से आरंभ करेंगे। छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ के वास्तविक दिव्यांग जनों के अधिकार संरक्षण का कार्य करता है। हमारे संघ के द्वारा छत्तीसगढ़ पीएससी से चयनित 18 फर्जी दिव्यांग शासकीय अधिकारियों का लिखित में शिकायत किया गया था, जिसमें से एक उम्मीदवार सुश्री ऋचा दुबे संभागीय मेडिकल बोर्ड रायपुर से फर्जी दिव्यांग साबित हुई है। बाकी 17 लोग जांच कराने के लिए इधर उधर घूम रहे हैं, डर के मारे आने के उन लोग जांच कराने के लिए नहीं जाते हैं, और दिव्यांग साबित होने के बावजूद वह 8 महीने से ऋचा दुबे नौकरी कर रही थी। हमारे संघ ने फर्जी दिव्यांग के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु 25 से 27 सितंबर तक दिव्यांग जन स्वाभिमान पैदल मार्च निकाला, जिसके चलते सुश्री ऋचा दुबे बर्खास्त हुई है। और इसके बाद हमारे शिकायत में उल्लेखित 113 लोग का राज्य मेडिकल बोर्ड से दिव्यांगता का परीक्षण हेतु आदेश हो चुका है, लेकिन कोई मेडिकल जांच के लिए कोई नहीं जाते हैं, डर के मारे इधर उधर भटकते रहते हैं, और अधिकतर लोग अपने विभाग में लेन देन कर बचने की फिराक में इधर उधर घूम रहे हैं। लेकिन हमारा संघ इस फर्जी दिव्यांगों को, जितने भी फर्जी दिव्यांग हैं, उन सभी को पर्दाफाश करा कर ही रहेंगे। जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ, गुलाब सिंह राजपूत आरियो है, मुंगेली सहित सभी के बर्खास्त कराने का हमारा संघ ऐसा सबूत के साथ दौड़ रहा है, उनको बर्खास्त होना पड़ेगा। अब हमारे संघ ने इनके पनाहगार को भी डरने को बहुत मजबूर कर दिया है, जो उनको पनाह दे दे करके बचाते हैं उसको भी डरना पड़ रहा है, और ऐसा जल्द से जल्द सभी फर्जियों दिव्यांग बर्खास्त होंगे। और सभी फर्जियों को मैं बताना चाहता हूँ, उन लोग ना जेल में भी होंगे, हमारा संघ जब तक के उनको नहीं हटाएंगे ना, तब तक हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। हमको सिर्फ बर्खास्त कराएंगे फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट के सहारे जो नौकरी कर रहे हैं उनको। कवर्धा से पीडी मणिपुरी की रिपोर्ट, प्रस्तुत कर रही है सीजी विजन टीवी।